गंदी बातें कोई बता ही नहीं रहा भाई इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ भाई क्योंकि मुझे कम लगी है भाई, जो अभी गाली आ रही है। ₹7,500 पे जो पंच मिलता है ना भाई, वो नहीं मिल रहा मेरे को, मैं तो इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। रहा भाई इसकी एक अच्छी बात है यूट्यूब पे ना भाई, यार बंदे लोग ना भाई सच बताते ही नहीं है यार। तो वेलकम बैक राइडर्स, कैसे हो आप लोग, होप कि आप लोग भाई ठीक होगे सब लोग। और भाई आज का व्लॉग मैं ना इसकी गोल्डन चेन के परफॉर्मेंस पर डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई 7 दिन यूज़ किया है इसको, पर कुछ इस तरह का सा है भाई यार ये अभी। तो यार इस पर ही बात करेंगे, एक बार ना मैं आपको इस बाइक को ना भगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि यार ना मुझे ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कम लगी है भाई इस चेन पॉकेट में, जो कि भाई लोग जो बोलते हैं ना भाई, मतलब ठीक है। तो भाई मैं आपको ना बताता हूँ यार, इसको ना अभी चेक करते भाई भगा कर, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ से लेते यू टर्न भाई, यार इस रास्ते पे भी ट्रैफिक होने लगा है यार आज। सारे रास्ते पे ही ट्रैफिक होने लगा यार, उधर की साइड तो भाई एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कि मतलब खुला है। तो गाइस इसको ना अभी खींचते हैं, दूसरे घर पर है भाई, भाई काफ़ी खींचते हैं इसको। पर ना भाई नीचे चलते आगे की तरफ, कोई बीच में ना आ सके भाई, क्योंकि उधर रुका था ना मैं भाई, बहुत ज़्यादा ट्रक्स आ रहे थे भयंकर। अभी रुकते भैया, और मैं आपको भाई 7 दिन के मतलब इन 7 दिनों में भाई मैंने क्या फ़र्क महसूस किया है चेन पॉकेट में, और भाई इसका क्या है भाई अच्छा और बुरा देखते। भाई ये कुछ गोल्डन चेन पॉकेट, जो कि भाई मैं इससे ना खुश नहीं हूँ पर्सनली भाई, पर्सनली मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि यार गाइस मुझे ना इसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे ना जब इंस्टॉल किया भाई टेस्ट राइड ली, मैंने बोला था मक्खन है, और उसमें बोला था कि भाई पिकअप कम लग रहा है मेरे को भाई इसमें पिकअप ना, मतलब जो इनिशियल में भाई जो 7,500 पे जो पंच मिलता है ना भाई, वो नहीं मिल रहा मेरे को। और भाई जब सेकंड गियर अपन डालते हैं ना भाई, तब तो एक झटका महसूस होता है तगड़ा, लेकिन यार जो फर्स्ट गियर में जो पंच मिलता है ना फर्स्ट और सेकंड गियर में 7.5 RPM के बाद, वो नहीं मिल रहा मेरे को। और लोग कहते हैं ना भाई, यार पब्लिक आ रही है भयंकर, और भाई लोग कहते हैं ना कि इसमें ना मतलब ये नॉइस नहीं करती, तो भाई ये नॉइस करती है ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये नॉइस नहीं करती, बस स्टॉक से ना भाई 10-20% कम नॉइस कर रही है, लेकिन कर रही है ठीक है। मैंने ये अभी भी मतलब दोपहर में इसको लूप किया था, 2-3 घंटे सूखने दिया था इसको, और नॉइस कर रही है गाइस, मतलब इसका यही है। और लोग बोल रहे थे भाई ये नॉइस नहीं करेगी वो, भाई अरे यहाँ पर भी लोग आ रहे भयंकर, तो भी पता नहीं भाई, मैं तो इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। बस भाई परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, टॉप एंड बढ़ गई है भाई, वो तो भाई पहले भी बोला था मैंने बढ़ गई थी, लेकिन मेरा पिकअप हो गया डाउन, मुझको जो चाहिए था भाई वही डाउन हो गई इसमें। और भाई एक बात और भाई, जो स्टॉक में तीत आते हैं भाई इसमें, मतलब जो स्टॉक में तीत आते हैं ना वो इसमें भी आते हैं भाई, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा तीत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं है भाई, सेम स्टॉक जैसा है, बस रोल ऑन है, इंडिया का नंबर 1 चेन ब्रास। और हाँ भाई इसकी एक अच्छी बात है कि ये खुद ब खुद थोड़ा पार्ली होता रहता है भाई, पता नहीं क्योंकि मैंने वॉश किया बाइक को, चेन क्लीन की, फिर भी ये ल्यूब थी थोड़ी बहुत, तो भाई मैंने फिर से ल्यूब करवाया इसको, यही है कुछ इसका
और मेरे को बहुत गंदा बैकअप कम लग रहा है भाई, जो इनिशियल था भाई वो भी कम ख़त्म है। तो यार मेरा एक मन कह रहा था भाई स्टॉक इंस्टॉल करते भाई, क्योंकि मैंने आकाश को बोला भाई पिकअप लग रहा है मेरे को कम, वो बोला था भाई ठीक है मैं तेरे को पैसे रिटर्न करता हूँ और तू शोरूम में जाके स्टॉक वाला लगवा लिया ना भाई। मैंने बोला चल ठीक है चल छोड़, मैंने बोला देखते भाई इसको यूज़ करके भाई, सारे बंदों के रिव्यू इतने बड़े हैं भाई, मतलब यार गंदी बातें कोई बता ही नहीं रहा भाई इसके बारे में। मैं बता रहा हूँ भाई क्योंकि मुझे कम लगी है भाई, जो तभी गाली आ रही है इसमें इनिशियल कम है भाई, ये नॉइज़ भी करती है, कोई एक्स्ट्रा तीत है नहीं, बस भाई मेरे को ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खटक रही है भाई इसमें। तो भाई अब क्या बोले यार, बस यही है भाई इसमें, बाकी तो भाई ठीक है भाई, मतलब जब आप भगाओगे तो नॉइस नहीं करेगा, लेकिन भाई जब आप गड्ढे में जाओगे ना तो भाई ये नॉइस करता है भाई, जो नॉर्मल चेंज पॉकेट था ना भाई उसके जैसा ही नॉइस करता है। ठीक है अरे भाई यही था कुछ आज की वीडियो में आ रहा गाइस, इसका प्राइस मुझे पड़ा था भाई 3600, ठीक है इंस्टॉलेशन का 400, मतलब टोटल खर्चा आया था भाई 4000 रुपये, और मैंने रोलन की वेबसाइट पर देखा था इसका प्राइस था भाई 3600, और मुझे चाहिए थी कैश ऑन डिलीवरी, तो भाई कैश ऑन डिलीवरी के एक्स्ट्रा शायद से 200 रुपये थे, और भाई किसी भी चीज़ के ना भाई मतलब वो 50 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, मतलब पूरा मुझे ना इंस्टॉलेशन का भी खर्चा चेंज पॉकेट में ही लग रहा था, तो भाई मैंने आकाश से ले लिया था। आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो भाई बता देना, मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, चाहिए तो ले लो वरना मत लो। बस ओवरऑल भाई इसका ये चेन है ना भयंकर, ये बढ़िया है भाई, जो कि भाई लुक देता है भाई गोल्डन, देख सकते हो आप भी गोल्डन गोल्डन भाई, क्या यार भाई इतने भी भाई यूट्यूब पे ना भाई यार बंदे लोग ना भाई सच बताते ही नहीं है यार। ठीक है यार गाइस आप लोग बता देना आपको कैसा लगा भाई, क्योंकि पूरा 4000 में हो गया भाई चेंज पॉकेट का, और इसमें भाई मुझे लगा था भाई मेजर पर्सनली पिकअप बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा ओल्ड जो चेंज पॉकेट था ना भाई जो ख़त्म था आगे का, वो भी भाई इससे बढ़िया पिकअप दे रहा था पता है, कोई ना यार चलते हैं। तो भाई यही था कुछ रोल ऑन की सच्चाई भाई मेरे को मेरी पर्सनल, भाई आप लोग कमेंट में बोल देना आपको क्या लग रहा है भाई इसके बारे में, क्योंकि ना मेरे को इसका इनिशियल भाई ख़त्म है यार भाई सही में, मतलब जो भाई चाहिए था इनिशियल वो नहीं मिल रहा मुझे इस चेंज पॉकेट से। और हाँ भाई इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है यार, बाइक भी भाई लगती भाई भारी हो गई है। तो यार भाई इस चेंज पॉकेट से भाई मैं तो खुश नहीं हूँ पर्सनली, ठीक है ना, मैंने सोचा था भाई इसको रिप्लेस करके ऑरेंज किट इंस्टॉल करवा लूँ, लेकिन भाई ऑरेंज किट का भी सेम है बस कलर चेंज है भयंकर, उसमें भी कुछ ही नहीं है। तो भाई नेक्स्ट टाइम अपन लगवाएंगे भाई स्टॉक लाइफ कम तो कम, लेकिन भाई उसमें पिकअप तो मिल रहा है मेरे को, इसका वेट भी है भाई ज़्यादा, बस इसकी चेन की क्वालिटी भाई पसंद है मेरे को भाई बस, बट जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं था, नहीं मिला मुझे, नहीं मिला सही में नहीं मिला गाइस, 4000 टोटल प्राइस 4000 भाई। और भाई मेरी बाइक कुछ आगे से ऐसी दिख रही है अभी, जो हैंडल का किया था भाई, और इसके लिए भाई टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को। तो भाई आज भी अपन अकेले ही है भाई ब्लॉग में, कुछ तो मतलब ना मतलब अरशद है भाई वो उसके शॉप पर जाता है क्योंकि उसके पापा गए हैं भाई शादी में, ओ भाई बोला कि अभी 2-4 दिन में हो जाएगा मतलब तब करेंगे भाई, वो भी GoPro लेने वाला है। तो यार मैं भाई पता नहीं यार कैसे चक मतलब आपको मतलब ना एक्सप्लेन करूँ कि मुझे पिकअप कैसे कम लग रहा है। तो भाई अपना एक बार फिर से देखते हो, ये देख लो भाई, देख लो मैं खींच रहा हूँ इनिशियल में, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है भाई इसमें सही में, जो मेरा स्टॉक था भाई वो मतलब मस्त था गाइस, क्या बोले यार अब। तो कोई ना भाई मैंने बस ये बताने के लिए वीडियो बनाया था भाई ये छोटा सा, ठीक है ना। तो बाकी भाई देखते हैं अभी, तो मैं इधर से भी खींच कर दिखाता हूँ भाई आपको, तो यार इसमें ना बस टॉप एंड ही पड़ गए हैं भयंकर, thank you।
दूसरे 250 है, मैं मेरे दोस्त की है भाई, उसने और मैंने इसमें इनिशियल चेक किया था तो भाई कुछ फर्क नहीं था गाइस, सेम थे भाई, मतलब उसके वेट की वजह से उसकी बाइक थोड़ी पीछे रह रही थी। और भाई अरशद के साथ भी किया था, तभी जाकर वीडियो बना रहा हूँ गाइस, मतलब पूरा मैंने ना ट्राई किया था, एक गोल्डन शर्ट वाले के साथ भी ट्रैक किया और नॉर्मल जो स्टॉक आता है भाई उसके साथ भी ट्रैक किया अपन, मुझे लगता है रॉन्ग, नहीं सही है। हाँ तो गाइस मैं यही बता रहा था आपको कि स्टॉक में भी स्टॉक का परफॉर्मेंस और इसका भी चेक किया भाई, और दोनों गोल्डन बाइक भी सेम और चीज सेट भी सेम, वो भी भाई कंपेयर किया है, लेकिन ना फर्क नहीं है भाई कुछ। तो यार देख लो, आप लोग ये वीडियो देखोगे ना गाइस तो भाई पूरा देखना, और आपकी मर्जी यार, आपको इंस्टॉल करना है या नहीं भाई आपके ऊपर है। यही था कुछ आज की वीडियो में, और भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए भाई ख्याल रखना अपना खुद का आप, और भाई राइड सेफ करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा गुड बाय। सॉरी गाइस मिस गलत हो गया भाई, तब तक के लिए भाई चलो गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।